दोस्तों अगर आप भी सैमसन और धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सैमसन की दहाड़ के आगे धोनी के शेर भी चुप हो गए, और आखिरकार कैसे सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान की टीम ने कुछ अंतिम पलों में धोनी की चेन्नई से मुकाबले को छीन कर अपने नाम कर लिया। इस सांस रोक देने वाले मैच का पूरा वीडियो तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है धोनी और सैमसन में एक बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और बेहद ही सांस रोक देने वाला रोमांचक मुकाबला राजस्थान और चेन्नई की टीम के बीच में खेला गया। राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इस बार इन दोनों चैंपियंस टीमों का आमना सामना होना था, और दोस्तों जब दो विजेताओं की लड़ाई होती है तो दूर दूर से दर्शक देखने आते हैं। ये सवाई मानसिंह स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। खैर दोस्तों मुकाबला शुरू होता है, और मुकाबला शुरू होता है राजस्थान की टीम की पहले बल्लेबाजी से। सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान का आंकड़ा कुछ ऐसा है कि विरोधी टीम उनके सामने चूहा लगती है, लेकिन दोस्तों ये चेन्नई की टीम है, इनके सामने तो शेर भी ध्वस्त हो जाते हैं। लेकिन जब दो शेर आमने सामने हो तो मुकाबला कांटे की टक्कर कैसे ना हो। राजस्थान की टीम की तरफ से दोस्तों बल्लेबाजी की कमान को संभालते हुए केवल यशस्वी जायसवाल ने कमाल करके रख दिया। धोनी के सबसे युवा शिष्य ने दोस्तों 43 गेंदों में 8 चौके लगाए, 4 छक्के जड़े और अकेले अपने दम पर 77 रन की पारी खेल डाली। अब इतनी भीमिकाएं पारी थी तो 8 ओवर में 80 बनना तो लाजमी था। इसके बाद दोस्तों जॉस बटलर भी 27 रन लगाकर गए। हालांकि दोस्तों बीच में राजस्थान को एक छोटा सा हॉल्ट देखने को मिला, जहां पर सैमसन 17 रन और हेटमायर 10 के अंदर ही आउट हो गए थे। रनों की रफ्तार धीमी होने लगी। धोनी की चालाकी तुषार देशपांडे के साथ दिखी, जब एक ही ओवर में उन्होंने दोस्तों संजू सैमसन का भी विकेट गिरवा दिया और यशस्वी जायसवाल को भी पवेलियन भिजवा दिया था। लेकिन दोस्तों शो अभी बाकी था। देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुएल, इन दोनों खिलाड़ियों को दोस्तों अभी तक 2023 आईपीएल में ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली थी, लेकिन आज के मैच के बाद जरूर से मिल जाएगी। और इसका कारण ये है कि पडिक्कल 13 गेंदों में 5 चौके जड़कर 27 रन बनाते हैं जाते जाते। और ध्रुव जुरेल के बारे में तो क्या ही कहना, रन भले ही किसी और ने ज्यादा लगाए हो लेकिन स्ट्राइक रेट इनको कोई मात नहीं दे सकता उसमें। 200 स्ट्राइक रेट के हिसाब से इनका स्ट्राइक रेट 250 का था। ये 15 गेंदों के अंदर 3 छक्के और 4 चौके जड़कर बना चुके थे पूरे 33 रन। इतनी भीमकाय पारियां आई तो राजस्थान की टीम दोस्तों 202 के स्कोर पर पहुंच गई और चेन्नई को दिया गया 204 का लक्ष्य। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोस्तों चेन्नई की टीम जब मैदान में उतरी तो ऋतुराज गायकवाड़ ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई। अपनी टीम के लिए 47 रन की पारी दोस्तों इस खिलाड़ी ने खेल दी थी, लेकिन अफसोस क्रीज के दूसरे छोर से आज किसी स्टेबल बल्लेबाज ने इनका साथ नहीं दिया। दोस्तों डिवोन कॉनवे 8 रन, अजिंक्य रहाणे 15 रन, तो वहीं अंबती रायडू तो शून्य पर आउट हो गए थे। इस बीच अश्विन के साथ साथ एडम जाम्पा की स्पिन गेंदबाजी के जाल में चेन्नई कब में कब फंस गई, इसका अंदाजा तो उन्हें खुद ब खुद नहीं हो पाया। और आखिर में दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ भी 47 पर विकेट गंवा ही गए। हाँ बीच में दोस्तों हमें शिवम दुबे का एक फाइट बैक जरूर देखने को मिला। 33 गेंदे, 2 चौके और 4 छक्कों में अली इस पारी में दोस्तों पूरे 52 रन शुमार थे। ऐसा लग रहा था कि शिवम दुबे के साथ मिलकर मोइन अली और जड्डू की ये जो पार्टनरशिप है ना, ये तिगड़ी चेन्नई को जिता ही जाएगी। क्योंकि दोस्तों 12 गेंदों के अंदर 23 रन तो मोइन अली भी लगा चुके थे। उधर रविंद्र जडेजा की बात करें तो वह भी 15 गेंदों में 23 रन लगा गए थे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे अंतिम ओवर तक मैच जा रहा था, वैसे वैसे रनों का फासला बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। दोस्तों फासला इतना बढ़ गया कि 6 गेंद में 37 रन चाहिए थे, और फिर चेन्नई की टीम मुकाबले को पूरे 32 रन के अंतर से हार ही गई। अब दोस्तों हार के बाद जाहिर सी बात है कि महेंद्र सिंह धोनी अपने खिलाड़ियों पर भी गुस्सा है, लेकिन इस गुस्से में उन्होंने हार का जिम्मेवार किस किस को बताया है चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान से इतनी बुरी हार के बाद धोनी ने अपने बयान में कहा, सबसे पहले तो आज हमारे गेंदबाजों ने जरूरत से ज्यादा रन लुटा दिए। मैं जानता हूं कि शुरुआती दौर में ये पिच बल्लेबाजी के लिए ही होती है, यहां पर ज्यादा से ज्यादा रन बनते नजर आते हैं, लेकिन आप रन बनवाने तो नहीं आए ना, आप विकेट लेने आए हैं, और पावर प्ले में हमें वक्त रहते। अगर यशस्वी का विकेट मिल जाता तो शायद आज नतीजा कुछ और होता। इस बात में कोई शक नहीं कि यशस्वी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, जिससे राजस्थान की टीम को वो मोमेंटम मिल गया जो उनके मुख्य खिलाड़ियों के आउट होने के बाद भी रुक नहीं पाया। यहां तक कि उनकी टीम के खिलाड़ियों ने तो जाते जाते भी दिवाली मनाई। ध्रुव जुएल ने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी अंतिम पलों में, जिसके चलते लक्ष्य मुझे लगता है कि जरूरत से ज्यादा भी बन गया था। और जब इतना बड़ा लक्ष्य बन जाता है तो आपकी टीम का मनोबल पहले से ही वीक होता है, और लक्ष्य चेस करने के लिए आज हमारी बल्लेबाजी भी उतनी ज्यादा उत्तम दर्जे की थी नहीं। तो कहीं ना कहीं हार के जिम्मेदार तो हम हैं ही, लेकिन जब सामने संजू जैसे कप्तान हो और अश्विन जैसे गेंदबाज भी हो तो उन्हें डिफीट करना वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
इन दोनों की जोड़ी कहीं ना कहीं हर किसी पर भारी पड़ती है और आज हम पर भारी पड़ गई। मैं जानता हूँ कि संजू सैमसन एक उम्दा कप्तान है, लेकिन अगली बार जब मुलाकात हुई उनसे सीजन में तो जरूर हार का बदला लेंगे। दोस्तों, हार के बाद धोनी ने अपना गुस्सा अपनी टीम के खिलाड़ियों पर भरपूर तरीके से उतारा, लेकिन सैमसन और अश्विन ने कैसे बाजी मारी वो भी बता दिया। परंतु आप सभी को क्या लगता है, धोनी और सैमसन में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।